अभी हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे ठेले पे जो बिल्कुल यूनिक चीज बेच रहे हैं। कितने बड़े बड़े होते हैं शकरकंदी? आधा आधा किलो, आधा आधा किलो तक शकरकंदी होता है। देख पा रहे हो गाइस, ये अपना शकरकंदी जो है बन के तैयार है और ये नींबू डालने हैं आप। तो गाइस ये है अपना शकरकंदी बन के तैयार। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे ठेले पे जो बिल्कुल यूनिक चीज बेच रहे हैं, बिल्कुल अलग। ये है क्या भैया? ये शकरकंदी है। तो ये इतने बड़े बड़े शकरकंदी होते हैं क्या? इससे भी बड़ा होता है। कितने बड़े बड़े होते हैं शकरकंदी? क्या चीज? आधा आधा किलो, आधा आधा किलो तक शकरकंदी होता है। तो ये भाई अपने शकरकंदी बेच रहे हैं और नीचे देख पा रहे हो गाइस कि यहाँ पे आग में, ये किस में बना रहे हो आप? ये क्या चीज है? बालू है। तो बालू में ये शकरकंदी बना रहे हैं। कितना किलो है ये वैसे? सर जी 150 रुपया किलो। 150 रुपया किलो? यस। तो 150 रुपया किलो कच्चा है कि पक्का? सर जी पक्का। अच्छा, पक्का पका हुआ जो है वो 150 रुपया किलो। आप वहाँ चलिए। तो ये आप खरीद के लाते हो क्या कि बोते हो, खरीदते हो? तो ये गाइस ये खरीदते हैं और ये हमें भी शकरकंदी खिलाओ, जरा देखे कैसे बनाते हो आप शकरकंदी। तो छोटा वाला शकरकंदी बनाना। तो गाइस ये है अपना शकरकंदी और देख पा रहे हो कि ये बन रहा है। इसको कितना टाइम लगता है बनने में? क्योंकि इसको 5 मिनट लग जाता है भूजने बाद, 1 घंटा लग जाता है। अच्छा अच्छा, भूदने में? सर जी भूदने में। भूदने मतलब? जी मैंने एक रेडी कर ली। अच्छा, इसको बनाने में 2 घंटा लगता है। देख पा रहे हो गाइस ये अपना शकरकंदी जो है बन के तैयार है। तो हियर इज आवर शकरकंदी। आपने सब कुछ खाया होगा लेकिन इस टाइप के ऐसे ठेले में शकरकंदी देसी स्टाइल में नहीं खाया होगा। और ये बहुत हेल्दी होता है गाइस। शकरकंदी मीन्स स्वीट पोटैटो और इसको कई जगह कोन भी बोलते हैं और भी इसके नाम होते हैं। ये क्या जाए, ये क्या डाल रहे हो? सर जी मसाला। मसाले? तो जो है ये मसाला, ये क्या रुपये प्लेट है? 10 रुपये और 20 रुपये में गाइस। और ये नींबू डालने हैं आप? अच्छा, तो गाइस जो है ये अपनी है हरी चटनी। यस। तो ये गया अपना हरी चटनी और अपना शकरकंदी जो है तैयार है। ये है अपना, वाह। तो गाइस ये है अपना शकरकंदी बन के तैयार और ये बिल्कुल ठेला, ये नीचे लकड़ी पे बन रहा है। ये देखो नीचे जो है इनका कमाल। ये क्या है, क्या ये किस पे बना रहे हो? ये तंदूर है भाई। ये तंदूर पे बन रही है शकरकंदी जो लकड़ी पे है। और एक बार जो है इसको मैं ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है। वैसे आपका क्या नाम है भाई? अनिल। अनिल, तो अनिल भाई जो है अपने शकरकंदी बेच रहे हैं और इसको पहले ट्राई करते हैं क्योंकि इसमें नींबू भी पड़ा हुआ है, नमक भी पड़ा हुआ है, हरी चटनी भी है। तो ये मिलाया शकरकंदी में अपना नींबू, नमक और हरी चटनी, ये ट्राई किया। जो मीठा आलू होता है वो ऐसे ही है जैसे लग रहा है चीनी इसमें मिला दिया गया है। और जो भाई इसमें नमक डाले हैं, नींबू डाले हैं, उसका भी टेस्ट आ रहा है। नॉर्मल टेस्ट है, ज़्यादा कोई खास यूनिक टेस्ट नहीं है खास, बट जो भी है स्लाइटली बहुत ज़रा सा मीठा है। और शकरकंदी वैसे भी अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको शकरकंदी खाना है तो आप जो है लखनऊ में गोमती नगर में इनके भाई अनिल भाई के पास आ सकते हो।